दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बहुत मज़े में हैं। तो हम लोग आए हुए थे मॉल किरत की कुछ चीज़ें लेने, तो हमने सोचा कि साथ साथ अम्मी की बर्थडे की शॉपिंग भी कर लें। किरत की चीज़ें हम क्या ले रहे हैं वो मैं नहीं दिखाने वाली, पर अम्मी के लिए हम क्या लेंगे वो मैं ज़रूर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो अभी हम लोग जाने लगे हैं। जी बेटा, व्हाट यू वांट? पॉपकॉर्न? आप पहले नानों के लिए कुछ देख लें, आ जाओ। तो हम जा रहे हैं साया में। क्या कर रही हो आप? जंपिंग कर रही हो? और दो ड्रेस हम लोगों ने पसंद करे हैं साया से, एक पापा की तरफ से देने के लिए और एक हमारी तरफ से। और पसंद तो मुझे और भी आ रहे थे साया पे, अम्मी के टाइप के जैसे थे, पर मैंने सोचा कि अब एक ही जगह से ले लेंगे तो अम्मी बोलेंगी एक ही जगह से दे दिए सब, तो अब कहीं और जाके चेक करते हैं। अब मैं सोच रही हूँ सफ़ायर, तो अब हम जाने लगे हैं सफ़ायर। तो सफ़ायर पहुँचते ही सोहा मैडम जो है वो जाके बैठ गई थी और मैं प्रिंट्स देखने लगी। आप लोग भी देखें, इनमें से मुझे एक प्रिंट अच्छा लगा था, उसके अलावा मुझे इतने ख़ास नहीं लगे थ्री पीस सूट। हाँ, अलबत्ता टू पीस सूट बहुत मज़े के थे, बहुत फंकी, और 1400 रुपये प्राइस थी उनकी, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे टू पीस सूट। तो अभी तो खैर मैं अम्मी के लिए देख रही थी, मैं अपने लिए बाद में देखूँगी। आप लोग को दिखाती हूँ मुझे कौन सा अच्छा लगा। मुझे ये वाला प्रिंट बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो जी, सफ़ायर पे मुझे एक दो प्रिंट समझ में आए, पर वो प्रिंट मुझे अम्मी के मतलब के नहीं लगे। एक तो शॉकिंग पिंक था, वो नहीं अच्छा लगा। अभी के बाकी देखती हूँ, दिखा देती हूँ आपको, और अगर आप लोगों के मतलब के हों तो आप लोग आइएगा और ख़रीदिएगा जल्दी से। तो जी, अब जा रहे हैं हम बोनांजा सतरंगी। बाकी दो जोड़े ले लिए हैं, एक जोड़ा जो पप्पा के लिए लिया है वो हमने साया से लिया है, वो हमने 5000 का लिया है, और जो मौज़म की तरफ से लिए हैं हमने वो दो। जी जी, ले लिया आप? सोहाने पकड़ लिए भाई, सोहाने पकड़े हुए हैं ये छोटे मामू की तरफ से। हाँ, तो मैंने मौज़म की तरफ से ले लिया है दो लॉन के सूट, जो अम्मी घर में भी पहन सकती हैं और आने जाने के लिए भी पहन सकती हैं। प्रिंट्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए, अच्छे आए हैं बोनांजा सतरंगी पे, और इवन सफ़ायर पे फंकी प्रिंट्स बहुत अच्छे हैं, 1400-1500 रुपए के। हाँ, तो मेरे ख़्याल से बच्चियों को बहुत, इस दफ़ा की कलेक्शन अच्छी है ना? बताओ बताओ, आप बताओ कैसी कलेक्शन है? अच्छी कलेक्शन थी, बहुत अच्छे प्रिंट्स थे, और सबसे अच्छे कलर्स बहुत अच्छे थे, और पेस्टल कलर थे वो माय प्रिंट ऐसे, मतलब चिंगारते हुए कलर्स नहीं थे, थे सारे एकदम वाइब्रेंट कलर्स, पर पेस्टल्स में थे, और कुछ वाइब्रेंट भी हैं तो वो बच्चियों के लिए, मतलब बहुत मुझे समर कलेक्शन बहुत अच्छी लगी इस दफ़ा की। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आएँ और ख़रीदें। तो जी, शॉपिंग हो गई है अम्मी के कपड़ों की, जो बर्थडे के लिए हमें ड्रेसेस लेने थे तो हमने ले लिए, अब हमारी रवानगी है घर की। तो जी, शॉपिंग करने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पे। तो अम्मी की बर्थडे की खुशी में बन रही है बिरयानी, मैं बना रही थी बिरयानी अम्मी को जैसी पसंद है, विद नो टमाटर नो हल्दी विद दही वाली बिरयानी। तो अब हम वो बना रहे हैं, अम्मी ने बताया था अम्मी को कैसी खानी है तो मैंने वैसी ही चढ़ा दी। तो मैंने बिरयानी का सोचा, मैंने कहा आप लोगों को रेसिपी भी बता दूँ लगे हाथ कि अम्मी को कैसी पसंद है। इसमें हमने डाला है दही, दही समझ ले हमने डाला होगा 4 प्याले 4 कटोरियाँ हमने डाली होंगी, और इसमें डली है धनिया 2 बड़े चम्मच खाने वाले, इसमें लाल मिर्च पड़ी है 2 चम्मच, इसमें नमक पड़ा है 2 चम्मच, बाकी मैंने 5 मीडियम साइज़ आलू डाले हैं और 1 किलो चिकन है, और इसमें तेल नहीं पड़ा है, बस इन सबको मिक्स करके, और अदरक लहसुन हाँ भूलिए, अदरक लहसुन भी पड़ा है, इसको सौंध के चढ़ा दिया है। अब बस ये चिकन ऑलमोस्ट गलने वाली है,
तो पानी हम थोड़ा सा रखेंगे क्योंकि अम्मी बोल रही थी थोड़ा सा पानी रखना, ठीक है? तो पानी हम थोड़ा सा रखेंगे, उसके बाद बताती हूँ। तो जी ये प्याज, अम्मी प्याज कितनी लिए? तो ये 3 पाव प्याज अम्मी ने बारीक बारीक काट दिए, इसको हम करेंगे अलग से फ्राई। और ये 1 धनिया की गड्डी और 1 पुदीने की गड्डी साफ़ करके अम्मी ने पानी में भिगो दी है। तो जी ये प्याज मैंने डाल दी है फ्राई होने, ठीक है जी। तो इसमें पुदीना, हरा धनिया डाला है थोड़ा सा मुट्ठी भर, 4-5 इलायचियाँ डाली हैं और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालने हैं। तो ये 2 तेज़पात के पत्ते भी डाल दिए, अब इनको बॉयल होने देंगे। जब तक चावल उबल रहे थे तब तक हो गई हमारी प्याज फ्राई, इस तरीके से गोल्डन प्याज हम फ्राई कर लेंगे। तो जो चिकन था उसमें हमने देखें इतना पानी अम्मी ने छुड़वाया है, इसलिए क्योंकि अब इसमें जाएगी ये प्याज, आधी प्याज इसमें जाएगी और वो जो हरा धनिया पुदीना था वो इसमें जाएगा और इसमें पिसा गरम मसाला जाएगा और आलू बुखारे भी जाएंगे। ये प्याज डाल दी है, हरा धनिया पुदीना डाल दिया है, ये है 1 चम्मच गरम मसाला पिसा घर का, ये भी डाल रहे हैं। तो जी ये गई हरी मिर्चें और ये गए आलू बुखारे, अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चावल हमने इसमें डाल दिए हैं और आधे रहन दिए हैं, अब हम इसमें डालेंगे बाकी अपनी बिरयानी का मसाला। तो जी चिकन डाल दिए है हमने, अब हम डालेंगे बकाया चावल। ये गए चावल। तो जी अब ये जा रही है प्याज, तो अब हम इसमें डालने लगे हैं जर्दा। जी अभी हम चावल दे देंगे दम पे, आज सही है बिल्कुल। जब तक चावलों को दम लग रहा है तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा डेकोरेशन कर लूँ अम्मी की बर्थडे के लिए। ये अम्मी का सिंहासन तैयार है और पीछे बलून्स मैंने लगा दिए हैं थोड़े से ताकि ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लगे। के बाद हमने खाई बिरयानी। तो ये था फाइनल लुक। तो कहाँ है नानू की बर्थडे में? नानू की बर्थडे में छोटी नानू नहीं बड़ी नानू, बड़ी नानू का बर्थडे। कहाँ है जी हम लोग? हम लोग आए हैं सल्तनत। बर्थडे ट्रीट जो है वो भाई की तरफ से और मैंने सोहा के टॉप्स पहन लिए। तो जी हम बच्चों को लेकर आए हैं किड्स जोन। अरे वाह भाई वाह, फिर आपको ब्लॉग में डालना होगा ना, इसलिए मतलब समझ गए। नहीं वो वैसे भी तेज चल रहा था ना, वो सही है मॉर्निंग पकड़ के चलाएगा। नहीं हाँ ये ऊपर नीचे भी हो रहा है ना, तो इसमें पकड़ भी नहीं सकता कोई। हाँ बैठी मैंने बोला कि बच्चे कबीर को झुलाने जा रहे हो, आया ही नोट कर। मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। छोड़ नहीं सकते ना बेटा, नहीं 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 गिर जाएगा वो, गिर जाएगा। हुई ड्रैगन, सो इट्स अ ड्रैगन। वो देख रहा है स्क्रीन पे, देख रहा है वो। बैलेंस खत्म हो गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये देखें, ये देखें, ये देखें गाइस। ओ झींगा मंगाया है, आप सब लोग झींगा खाने वाले हो तो मंगवा लें झींगा। देखिए बस भाभी हमने आज आपकी वजह से झींगा नहीं मंगाया ताकि भाभी को फील ना हो। अम्मी आपको कैसा लगा खाना? खाना खा के निकल गए हैं। हैप्पी बर्थडे अम्मी, आपका बर्थडे खत्म होने वाला है। मजा आया आपको? चलो गुड है।
तो जी ये व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बहुत लंबा होगा ये व्लॉग, 2 दिन का व्लॉग होगा क्योंकि मैंने शॉपिंग का व्लॉग भी बनाया है, फिर थोड़ा सा डेकोरेशन का भी बनाया है और अब खाने का। तो आई होप आप लोग को मज़ा आए ये वीडियो देख के। अब बस दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।